नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लुधियाना से आ रही है जहां पर 30 बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आलमगीर इलाके से ये बम और हैंड ग्रेनेड मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले की बारीकी से जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, लुधियाना के आलमगीर इलाके से 30 बम और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और आलमगीर ये इलाका बताया जा रहा है जहां से ये 30 बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन लुधियाना के आलमगीर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है जहां से 30 बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तपेन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से। तपेन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कब ये बरामद हुए हैं, कहां से बरामद हुए हैं, आलमगीर इलाका कैसा इलाका है ये? जी मोनिका, आपको बता दें ये लुधियाना के आलमगीर साहब गुरुद्वारा लुधियाना शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो पुलिस के मुताबिक यहाँ पर 26 जो बॉम्ब हैं वो मिले हैं और 4 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। और पुलिस का यही कहना है कि जो सुबह जो यहाँ पर जो इसके साथ ही बिल्कुल हाईवे पर प्लॉट पर मिले हैं, जो इसके साथ डेल्टा सिटी है, तो डेल्टा सिटी के साथ ही जो लोग रहते हैं वो सुबह सैर के लिए निकले, उन्होंने देखा कि बॉम्ब जैसी कोई चीज पड़ी है। जब लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने देखा कि वो ये असलियत में बॉम्ब थे, जिसके बाद कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी गई, तो फिर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि ये आखिर इतने भारी तादाद में ये जो बॉम्ब है यहाँ पर आए कैसे। जी, तब इन फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कितने पुराने ये बम बताए जा रहे हैं, कोई जानकारी मिल पाई हो आपको? फिलहाल अभी जो पुलिस का कहना है कि जो अभी पता चल पाएगा कि वो बॉम्ब स्क्वाड इसकी पूरी जांच कर लेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक ये जिंदा बॉम्ब है, इसलिए इसको जो पूरी जो इसकी टीमें हैं जो फोरेंसिक टीमें हैं वो पहुंचेंगी, वो इसको देखेगी कि इसका मतलब कि इनका क्या मार्क है, ये कितने पुराने हैं। जी मोनिका। जी तपन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लुधियाना से 30 बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, आलमगीर इलाके से ये बरामदगी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।